हेलो शेयर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को हम हजारों बार लगाएंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चंस का क्लियर हो सके और इससे रिलेटेड हमारा बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है। क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट दी हुई है 0 to π/2 रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे आई के फॉर्म में लेट कर लेंगे। लेट करेंगे 0 to π/2 एंड रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स डीएक्स। हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन और फंक्शन को हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, आई के फॉर्म में लेट करते हैं। जब लेट कर लिया तो बेटा हमने क्या किया, अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी हम कौन सी लगाएंगे वो सीखेंगे। यानी एक हमारी प्रॉपर्टी ये थी, अगर आई इक्वल टू 0 to π/2 रूट में साइन अपर माइनस एंगल, यानी अपर माइनस क्या हो गया एंगल, एंगल कितना है बेटा एक्स है, तो यानी अपर लिमिट कितनी है π/2 माइनस एंगल, क्लियर है। अपॉन इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे, यानी साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट में कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे dx होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे करेंगे 0 to π/2 इसका मींस क्या होगा बेटा, रूट में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या होगा रूट में कॉस थीटा यानी कॉस एक्स प्लस यहाँ पे होगा साइन एक्स, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आई इक्वेशन नंबर 1 + 2 यानी आई प्लस आई यानी हो गया 2i एंड यहाँ पे हमारा क्या है लिमिट सेम है 0 to π/2 एंड यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस रूट का कॉस एक्स, क्लियर है। यहाँ पे हमारा क्या होगा प्लस रूट में कॉस एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, ठीक है। यानी दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा 0 to π/2 एंड एलसीएम जो आया वो आया बेटा हमारा साइन एक्स एंड प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे जब एलसीएम आया सेम तो यहाँ पे हो गया रूट में साइन एक्स एंड प्लस का रूट में कॉस एक्स डीएक्स, क्लियर है। यानी इसका मीन्स हमारा जो हुआ वो ये हुआ 0 to π/2 एंड यहाँ पे हमारा क्या हुआ 2i हुआ, क्या हुआ 2i हुआ, क्या हुआ 2i हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 dx, क्लियर है। यहाँ पे हमारा 2i इक्वल टू यहाँ पे हुआ π/2। जब हम किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर यानी x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा हमारा क्या होता है x होता है, क्या होता है x होता है। तो x 0 to π/2। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 2i इक्वल टू यहाँ पे हुआ π/2 माइनस 0 यानी i इक्वल टू π/4। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कहीं पे कॉस होता है, कहीं पे टेन होता है, कहीं पे कॉट होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल है, तो इसको आप बेटा लगाइएगा।